प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी है वो अपने घर पे आराम से कर रहे होंगे। और हमने एक वीडियो बनाया था आपका इससे पहले, उम्मीद करता हूँ वो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और उसमें जो हमने कंटेंट डाला था, जो क्वेश्चन लिए थे हमने, जो टॉपिक लिया था वो समझ में आया होगा। अगर उसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो कमेंट का सेक्शन होता है नीचे, उस कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक था, ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया। या फिर आप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि भी जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा हमने उसमें डाल सकते हैं कि भी सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये टॉपिक नहीं आया था। तो आज हम नया टॉपिक आपका लेके आए हैं, श्रृंखला का जो सीरीज़ होती है आपकी, सीरीज इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। इसमें देखिए आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीरीज में दो तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, श्रृंखला में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका नंबर सीरीज होता है, नंबर मतलब जो संख्या श्रृंखला होता है, संख्या श्रृंखला, ठीक है। और दूसरा आपका होता है अल्फ़ाबेट श्रृंखला, जो आपकी अल्फ़ाबेट होती हैं, ए बी सी डी होती हैं आपका, वो सीरीज़ होती है आपकी अल्फ़ाबेट वाली, ठीक है। दो तरह के आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें आपको नंबर दिखेंगे, जैसे 1 से 10 तक की संख्या है, 3, 9, 7, ये जैसा आपका अभी जो क्वेश्चन है इस तरह से दिख रहा है। और दूसरे में आपका जो ए बी सी डी है उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम दोनों पर बात करेंगे, दोनों को आपको समझाएँगे कि भी कैसे आपको पेपर में आएंगे तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया 3 दिया है, 9 दिया है, 27, 81 और 243 आपका इसमें दिया गया है। तो अभी ये बताना हमें, जो क्वेश्चन मार्क आपका दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा। सीरीज मतलब सीरीज क्या होती है, जैसे चेन नहीं होती आपका, मतलब एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। तो जैसे इसमें 1, 3 लिखा है तो इसमें आगे 9 है, जो 9 इसी के अकॉर्डिंग है, कुछ एक सीरीज होगी, एक कड़ी होगी जिसके साथ ये आपस में जुड़े होंगे। तो हमें ये बताना है कि जिस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो उसी सीरीज में आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें आपका 3 है, 9 है, 27 है, 3 देखिए आप देख पा रहे हैं, 3 की 3 से गुणा की 9 हो गया, 9 की फिर 3 से गुणा की, गुणा 3 हुआ ना तो 27 हो गया, 27 की 3 से गुणा की तो यहाँ पे 81 हो गया, और 81 की 3 से गुणा की तो आपका क्या है, 243 हो गया। 243 की 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा, 729 आपका, 729 आपका है आ जाएगा। तो इनमें सीरीज में क्या होगा आपका, या तो आपका मल्टीप्लिकेशन दे देगा इसमें, या एडिशन दे देगा मतलब गुणा दे देगा, या फिर जमा दे देगा आपका, यहाँ पे क्या माइनस में घटा के दे देगा, बड़ी संख्या से घटते क्रम में होगा, या फिर कुछ ऐसे आपका मल्टीपल आपका इस तरह से दे देगा आपका, 2 गुणा में 1 प्लस में 1 इस तरह से आपका बना के भी, मतलब गुणा प्लस दोनों हैं आपके एक साथ भी दे सकता है इसमें। तो आपको उसमें देखना है कि भी कौन सा पैटर्न है, कौन सा नियम है आपका, किस तरह का जो है उसमें फॉलो हो रहा है इस सीरीज़ में, उसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क है आपका बीच में भी दे सकता है ये, ठीक है, और इसमें यहाँ पे आपका 729 भी डाल सकता है ये, यहाँ पे 80 कर देगा। तो इसमें ये पूछेगा कि भी इसमें से कौन सा है जो संख्या है, कौन सा पद है आपका गलत है, तो वो पद हमें जो सीरीज इनमें फॉलो हो रही है और इसमें फॉलो नहीं हो रही, तो जो गलत पद होगा वो हमें संख्या है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि भी हाँ सर मुझे समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, कमेंट का सेक्शन आपके लिए ही है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका है, एक 1 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 19 दिया है, 27 दिया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, जैसे हमने पहले समझाया था आपको, अभी वीडियो को पॉज करें, पॉज करके खुद सॉल्व करने की सोचिए। अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप फिर आगे वीडियो को देखें, और अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो अपना आंसर है वो मैच करें आगे वीडियो देख के। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके है अपना जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन है आपका दे रखे हैं साथ में, तो इन ऑप्शन से आपके जो क्वेश्चन है वो करके सॉल्व करें और फिर आगे वीडियो देखें आपका, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इसने, 1, 6, 12, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से 6 होने में कितने इसने प्लस किया, जैसे पहले वाले में मल्टीप्लीकेशन था आपका, गुणा किया था, इसमें एडिशन कर दिया, क्या किया, 5 जोड़ दिया इसके अंदर, और 6 से 12 जाने में कितना जोड़ा, 6 जोड़ दिया, और 12 से 19 जाने में कितना जुड़ा है,
12 से 19 जाने में 7 जुड़ा है और 19 से 20 जाने में आपका 8 जुड़ा है और 19 से 27 27 से आपका आगे क्या जुड़ेगा 5, 6, 7, 8 तो 9 जुड़ेगा ना, प्लस 9 जुड़ के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आ गया ना बच्चों समझ में? तो अभी आगे क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस के लिए भी आपको इसमें क्वेश्चन देंगे, ये आपका इसमें 2 क्वेश्चन और कराएंगे और बाकी आपके 6-7 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए भी आपका डालेंगे, आप प्रैक्टिस अपने घर पे इनको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2, 6, 14, 30, 62 ये आपका दिया गया है। 2 से 6 जाने में आपको कितना क्या एडिशन हुआ है, क्या डिवीजन हुआ है, तो वो आपको इसमें पैटर्न फॉलो करना है। पॉज करके आपने सोल्व करके देख लिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें क्या किया हुआ, इसमें इसमें कितना अंतर है, इसमें क्या है, कितना एडिशन हो रहा है, 4 का एडिशन हो रहा है 2 से 6 जाने में, प्लस 4 हो रहा है, और 6 से 14 जाने में कितना हो रहा है 8 का एडिशन हो रहा है, और 14 से 30 जाने में कितना हो रहा है 16 का एडिशन हो रहा है, और 30 से 62 जाने में आपका कितना हो रहा है 32 का हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, ये डबल होता जा रहा है आपका, दुगना होता जा रहा है। तो अभी 62 का दुगना क्या होगा 64 हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें 62 में अगर 64 जोड़ेंगे हम, 64 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो 126 आपका आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर, 126 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं पेपर में। एक क्वेश्चन और कराते हैं फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। 8, 48, 16, 96, 32 अभी तो हमने ये देखा है कि भी ये आपका एक संख्या है, दूसरी संख्या साथ में है, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें अल्टरनेट पे कम्बिनेशन मिलेगा आपको, अल्टरनेट पे भी कम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा आपका। अभी एक पे कम्बिनेशन था, अभी अल्टरनेट पे मिलेगा, फिर बीच में ये भी हो सकता है कि भी इस ये संख्या इससे मैच करे, ये वाली इससे मैच करेगी, और ठीक है ना, या फिर 3 आपका ये तीसरे पे जाके मैच करेगी, ये वाली आगे तीसरे वाले पे मैच करेगी, इस तरह से भी दो दो बीच में छोड़ के भी आपका मैचिंग मिल सकती है आपकी। तो इसमें क्या है, इसमें 8 से 16 हो रहा है, दुगना हो रहा है आपका 8 दुनी 16, और 48 से दुगना आपका 96 हो रहा है, आपका हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, और 16 से आपका दुगना हुआ 32 हुआ, तो 96 से आगे कितना होगा आपका डबल, अगर 96 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 192 आपका आ जाएगा इसके अंदर। तो आंसर क्या आएगा आपका 192 आपका आएगा। इसके बाद हम जो अल्फ़ाबेट वाले हैं आपके ABCD वाले हैं वो आपके हैं अक्षर श्रृंखला बोलते हैं जिसको, वो आपका क्वेश्चन है देखेंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, 2, 8, 14, 24, 34, 48 आगे क्या आएगा, ठीक है, 4, 9, 19, 34, 54 क्वेश्चन मार्क, जैसे हमने आपको बताया कि भी बीच में भी खाली कर सकता है 109, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3, 15, 35, 63, 99 तो यहाँ पे आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, ऑप्शन भी आपके साथ में है, इनके आंसर है आप सॉल्व करके है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। नेक्स्ट आपका ये नेक्स्ट के दोनों के एक साथ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, इनका दोनों का स्क्रीनशॉट है आप साथ में ले लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं हम, जो श्रृंखला है आपकी, श्रृंखला जो आपकी अल्फ़ाबेट वाली श्रृंखला है, इसको आसानी से हम जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है वो आपकी आ गई है, इसमें इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरह की एक सीरीज़ दी जाएगी और बीच में उसको जैसे खाली है आपके यहाँ पे खाली खाली करके दिया जाएगा और आपको बताना है कि भी खाली वाली जगह में यहाँ पे है इनमें से क्या आपका भरा जाएगा, यहाँ से यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा आपका, ठीक है। ये डॉट दे रखा है आपका, इस तरह से बीच में स्पेस है, तो ये एक अक्षर को डिनोट करता है, यहाँ पे एक अक्षर आपका AB जिस तरह से ये दिया गया है। अब यहाँ पे कितने डॉट हैं, 3, 4, 5, तो 5 ही आपके जो अक्षर हैं यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो जैसे B है तो यहाँ पे B आपका आएगा, A यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से आपको इनको भरना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, एक पहले इनको सीरीज़ को हो इनको काउंट करेंगे आप, कैसे काउंट करेंगे, जैसे संख्या दे रखी है इसमें क्या है आपकी, जितने नंबर दे रखे हैं, जितने अक्षर दे रखे हैं, जैसे 1, 2, 3 आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन बना के आपको करना है, अगर इसमें 12 हैं आपके तो एक तो 12 का कॉम्बिनेशन बन गया आपका, और एक आपका बनेगा 15 और 17 का, इसका 15 या 17 का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर 16 का कॉम्बिनेशन होगा,
या फिर आपका 18 का कम्बिनेशन होगा, या फिर आपका 20 का कम्बिनेशन होगा, या फिर इसमें आपका 24 का कम्बिनेशन होगा। तो इसमें हमें जो आपका कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जोड़े बनाने पड़ेंगे जो हमें सोल्व करने हैं जोड़े बनाने के साथ साथ। तो इसमें हम जोड़े बनाएंगे 12 वाले में 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, और जो 15 और 17 का है इसमें आपका 3 और 5 के बनाएंगे, और जो आपका 16 वाले हैं 16 वाले में आपका 4 के कम्बिनेशन बनाएंगे हम, और 18 वाले में 3 और 6 के आपके बनाए जाएंगे, 20 वाले में 4 और 5 के बनाएंगे हम, और 24 वाले में आपका 4 और 6 के कम्बिनेशन है आपके बनाएंगे हम, 12 में 3 के, 15 और 17 में 3 और 5 के, 16 में 4 के, 18 में 3 और 6 के, 20 में 4 5 के, 24 में 4 और 6 के, ठीक है। इस तरह से हम कम्बिनेशन बनाएंगे। अभी इसमें कितने थे आपके, 12 थे, तो 12 में 3 3 का बनाएंगे हम, यहाँ पे 3 3 का बना लेंगे हम, 3 ये नीचे वाले ले लिए हमने, 3 अभी ऊपर वाले ले लेंगे हम, तीन हो गए तो 3 नीचे वाले और 3 ये लास्ट वाले बच जाएंगे, तो इनका कम्बिनेशन बन जाएगा आपका। तो इसी के अनुसार है अभी हमें अभी ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि भी यहाँ पे क्या आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा जाएगा इसमें, आपका ए बी दिया है, आपको क्या लिख इसमें क्या दिख रहा है कि भी क्या जो कम्बिनेशन है क्या इसमें फॉलो हो रहा है आपका, क्या कम्बिनेशन फॉलो हो रहा है आपका। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसमें डबल बी आपको दिख रहा है, डबल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, डबल बी डबल ए दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे डबल बी और डबल ए आपका दिख रहा है। इसमें आपका एक और बात ध्यान रखना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, एक तो आपका होमोजेनियस आएगा और एक आपका मतलब जिसको सहजातीय बोलते हैं होमोजेनियस को, एक आपका हेटेरोजेनियस आएगा जिसको विजातीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजातीय बोलते हैं। इस तरह के दो तरह के आपके जो प्रश्न है इसमें आपके पूछे जाते हैं, समजातीय और विजातीय में। सजातीय में आपका क्या होगा कि भी आपका सेम पैटर्न है आपका फॉलो करेगा, सेम पैटर्न है जो आपका मतलब पहले जो ये है इधर वाला, इसमें भी सेम आपके अक्षर आएंगे, इसमें भी सेम आएंगे, इसमें भी सेम आएंगे, लास्ट वाले में भी सेम आएंगे, सभी में सेम आएंगे। लेकिन जो आपका हेटेरोजेनियस होगा, विजातीय श्रेणी होगा, उसमें अल्टरनेट पे ग्रुपिंग होगी, एक पे, तीन पे, पाँच पे, या फिर दो पे, चार पे, छः पे, मतलब पहला कॉलम है इसका कम्बिनेशन तीसरे वाले के साथ मिलेगा, दूसरे वाले का चौथे के साथ मिलेगा, इस तरह से आपकी ग्रुपिंग है वो आपस में उसमें देखने को मिलेंगी। तो इसमें अपना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बी डबल ए है आपका, तो यहाँ पे तीन तीन के हमने जब बनाए, यहाँ पे कम्बिनेशन आपके तीन तीन के बनाए, तो क्या दिख रहा हमें, यहाँ लास्ट में डबल बी आया है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, डबल ए आया है आपका। तो ये इसमें जो दूसरी श्रेणी बताई थी, दूसरे तरीके का आपका विजातीय बताया था, वो इसमें क्या है, अल्टरनेट पे आपका है, इसमें है, इसमें लास्ट में बी है आपका, ठीक है, इसमें भी बी है आपका लास्ट में, और यहाँ पे डबल ए है आपका, और आपका क्या दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे बी लिख लिया हमने, ए डबल बी, डबल बी हो गया आपका, एक में क्या है, डबल बी हो गया, साथ में है आपका, ठीक है। तो दूसरे में क्या डालें हम, इसमें दूसरे में डाल देते हैं डबल ए आपका, डबल ए डबल बी आपका, और इसमें तीसरे वाले में आपका क्या आ गया, दो बी तो आ गए आपके, एक ए हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ए जिसमें आपका डबल बी है उसमें आपका सिंगल ए है आपका, और जिसमें डबल बी है उसमें सिंगल आपका, जब जिसमें डबल ए है उसमें आपका सिंगल बी है, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा लास्ट वाले में, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये इस तरह का कम्बिनेशन है जो आपका, कौन से में दिख रहा है आपको, ये इसमें दिख रहा है आपको बी डबल ए बी, है ना, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है जो आपका क्या रहेगा, जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपका, इसमें कम्बिनेशन आप इसमें जोड़े बनाइए आपका, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह, इसमें भी 12 का ही कम्बिनेशन है, तो हमें किसका कितने कम्बिनेशन बनाने हैं आपका, तीन तीन के जोड़े हैं हम वो बनाएंगे आपका, ठीक है, तीन तीन के। और क्या है इसमें, देखिए ऊपर वाले में क्या कर सकते हैं हम, एक और ऊपर वाले में हम इसमें 6 का भी बना सकते हैं, कौन से का बना सकते हैं, 6 का भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 और 3 6 यहाँ तक, 3 इसका 6 का कम्बिनेशन बना देंगे हम, ठीक है।
तो छः वाले में क्या रहेगा आसानी, एक इसमें हैं तो इसमें क्या रहेगा छः के में हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डबल बी डबल ए आया है बीच में हैं, तो यहाँ पे हम ये सेम ऐसा का ऐसा इसमें यहाँ पे भरेंगे डबल ए और आपका क्या है बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ए आ जाएगा आपका और यहाँ पे बी आ जाएगा। इस तरह से भी आपका छः करके भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपका रहता है जो सिंपल तरीका रहता है जो मैंने आपको पहले बताया, अगर 12 के दिए हैं आपको तो उसमें तीन का कम्बिनेशन बनाएंगे, 15 और 17 वाले में आप बनाएंगे तीन और पाँच का आपका, 16 वाले में चार के कम्बिनेशन आप बनाएंगे। अभी इसमें 12 दिया गया है, इसमें भी आप 12 वाले में भी छः का बना सकते हैं आप, 12 वाले में अभी जो दिया गया है इसमें छः का बना सकते हैं आप, ठीक है। छः का बना के आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो पहले आपका पहले वाला क्वेश्चन किया गया है उसकी उसी की तरह आपका दिया गया है। तीसरे वाले के जोड़े बनाएंगे हम कि इस पहले इनको काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए गए हैं आपको, तो इसमें छः का नहीं बनाएंगे हम, इसमें बनाएंगे हम तीन का, कितने का बनाएंगे इसमें तीन का बना के करेंगे। तो तीन का कहाँ थे यहाँ तक काउंट होते हैं आपके तीन, तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे तो ये तीन तीन का जोड़ा बन गया आपका, ठीक है। तो सभी में आप दिख रहे हैं ये इधर वाले में डबल ए, लास्ट में पहले भी ए है आपका, लास्ट में भी ए है, दूसरे वाले में भी दिख रहा है हमें, पहले में ए है लास्ट में भी ए है आपको दिख रहा है ना, और यहाँ पे भी आपका ए है बीच में, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले पे यहाँ पे पहले ए आया हुआ ना आपका, तो यहाँ पे ए फिल कर देंगे हम, क्या फिल करेंगे ए, तो ए बी ए, तो यहाँ पे बीच वाले में भी क्या आएगा ए बी ए, और यहाँ पे पहले ए बी आ गया, लास्ट में क्या आना है आपका ए आना है, तो ए बी ए आ जाएगा, ए ए आ गया, बीच में क्या है सभी में बी आ जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन में आपका दिख रहा है, ये वाला ए बी ए बी, तो ऑप्शन नंबर दो है जो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे इसको, इसको चौथे को आप काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये यहाँ पे गैप है या क्या है, चलो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, पता नहीं गैप है या क्या है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखते हैं अभी 1 2 3 उसको जो क्वेश्चन है आपका वो ग्रुप में मैं डाल दूँगा आपका, उसमें देख के कि भी इसमें स्पेस है या कैसा खाली है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या है इसमें कितने हैं आपके, कितने दिए गए हैं 18 दिए गए हैं, और 18 वाले में मैंने क्या बताया था, तीन और छः का कम्बिनेशन आपका इसमें बनेगा। पहले हमें तीन का और छः का बना के देखना पड़ेगा, कोई सा भी आप बना सकते हैं, अभी हम छः का कम्बिनेशन बना के हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं, छः का कम्बिनेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो छः का काउंट करेंगे, 2 4 और 6 यहाँ पे आया, 2 4 और 6 यहाँ पे हो गया, लास्ट में 2 4 और 6 बच गए आपके, बच गए ना। अभी कितना इसमें हमें तीन बी तो हमें सभी में दिख रहे हैं, इसमें भी तीन बी हैं आपके, इसमें भी तीन बी हैं, इसमें चार बी हैं आपके, कितने हैं 4 बी हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से ए भी है इसमें, इसमें भी ए है, दोनों में भी ए है, तो मेरे हिसाब से क्या आएगा इसमें, हम यहाँ पे पहले ए भर देते हैं, यहाँ पे क्या भरें, यहाँ पे ए भर देते हैं, ठीक है ए, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी भर देते हैं, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है लास्ट में तो यहाँ पे भी बी भर देते हैं, और यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ए बी सी सी बी, ए कौन सा ऑप्शन आपका, ए बी सी सी बी, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस तरह से आपका है ये क्वेश्चन है, आपको कॉम्बिनेशन बना के है आपको करने हैं, एक ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये आप इसकी प्रैक्टिस है घर पे करेंगे, ये जो आपका दिया गया है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है ज़रूर बताएं। आगे बढ़ने जो आपका इस तरह से क्वेश्चन है आपके, ये भी आपका हमें संख्या वाले कर लिए, अब ये करने हमें क्वेश्चन इस तरह से, जैसे आपके संख्या में दिए गए थे क्वेश्चन मार्क के, अभी इस तरह के क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका, बी एफ के क्यू आपका, इसमें आपको क्या याद रखना है,
अल्फ़ाबेट के नंबर, अल्फ़ाबेट के नंबर आपको कैसे याद करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने के लिए आपको, जैसे ए है आपका कितने नंबर पे है, आपका ए है आपका एक नंबर पे, बी आपका दो पे है, सी आपका तीन पे है। इस तरह से इसको अगर आसान से याद रखें तो एक हमें ईजोटी, ई जे ओ टी वाई, ईजोटी को याद रख कर सकते हैं। ईजोटी याद रह जाएगा आपको। ईजोटी क्यों याद करवाया मैंने, क्योंकि ई आपका कितने पे है, पाँच पे है, जी आपका दस पे है, ओ आपका पंद्रह पे है, टी आपका बीस पे है और वाई है आपका पच्चीस पे है, ठीक है ना। अभी या तो फिर अपने जो एक रफ पेपर होता है, जब पेपर क्वेश्चन करेंगे आप, आपको दिखे कि भी अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एक छोटे छोटे पेंसिल के साथ आपका जो भी आपके पास हल्के हल्के उसके साथ आपका इस तरह से ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख लीजिए उनको, और उनके नीचे नंबरिंग कर लीजिए आप, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की नंबरिंग कर लीजिए आप, ठीक है ना। इस तरह से नंबरिंग करेंगे तो आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा अपनी फिंगर पे एक भी डी कितने पे है, ए बी सी डी चार पे, इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लिख लीजिए आप। तो अभी क्या है, ये क्वेश्चन आया है आपका बी एफ के क्यू आपका आया है, तो इसमें हमें आगे बताना है कि भी क्यू आगे जो क्वेश्चन मार्क है उसमें क्या आएगा। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि बी कितने पे है आपका, तो बी कितने पे है आपका, बी है दो पे है आपका, दो पे, और एफ़ कितने पे है आपका, अभी जैसे मैंने ईजोटी बताया था ई कितने पे, पाँच पे, तो एफ़ कितने पे आपका, एफ़ है आपका छः पे, और आपका के है कितने पे है आपका, जे अभी मैंने बताया दस पे है, तो जे के बाद के आता है, के कितने पे है, ग्यारह पे है आपका, और आपका आगे क्या है, आगे है आपका क्यू, क्यू कितने पे है, अभी मैंने ओ बताया आपका पंद्रह पे है, ओ के बाद पी क्यू, तो आगे क्या आता है आपका, सत्रह आता है, कितना आता है आपका, कितना आएगा पी क्यू, पी क्यू आपका कितना हो गया, सत्रह हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से आ गया। तो अभी ये दिए गए हमारे पास, तो दो और इसमें कितना जोड़ा है, चार जोड़ा है, यहाँ पे कितना जुड़ा, पाँच जुड़ा है, यहाँ पे कितना जुड़ा, छः जुड़ा, अभी आगे कितना जुड़ेगा, सात जुड़ेगा, सात जुड़ेगा ना, तो सत्रह में सात जोड़ेंगे हम, तो क्या बनेगा, कितना बनेगा, चौबीस। तो चौबीस में अक्षर कौन सा है आपका, अल्फ़ाबेट कौन सा है, पच्चीस पे क्या आपका वाई है, और वाई से पहले, पच्चीस से पहले चौबीस आएगा, तो वाई पच्चीस है, तो पच्चीस से पहले कौन सा एक्स है आपका, तो एक्स आ जाएगा आपका इसका आंसर पहले का। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हैं आपको श्रृंखलाओं वाले, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, आगे समझ में, बहुत अजीबा। अगर जिसको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भेज पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरे आपके ये आपका दिया गया है इस तरह का, इसमें भी आपको नंबरिंग आपकी करनी है, इनमें डिफरेंस, इसमें जैसे हमने पहले नंबर वाले में डिफरेंस, एडिशन, मल्टीप्ली एडिशन वगैरह देखा था, इनमें आपका डिफरेंस वगैरह आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंस मल्टीप्ली और एडिशन ही रहेगा जो आपका अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। तो सी कितने पे आपका, सी तीन पे आपका, और ई कितने पे आपका, पाँच पे है, और आपका एफ कितने पे है आपका, छः पे है आपका, और आपका आई है, आई कितना है, नौ पे है। आई का नंबर किस तरह से याद कर सकते हैं हम, आई का नंबर, आई नौ है, आई है ऐसे लिखते हैं, है ना, आई को ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से भी लिखते हैं, ये किसकी शेप जैसा दिख रहा, नौ की शेप जैसा है ना आई, तो इस तरह से आपका कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि भी आई है जी किस तरह से दिखेगा हमें, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम एच को याद कर सकते हैं, एच को भी, जैसे एच है इस आपका क्या है, एच किस तरह से लिखते हैं, एच इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर से इसको मिला दें, इसको मिला दें, किस तरह क्या बन गया, आठ बन गया, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक आपका जी है, जी, जी में आपको नीचे क्या बनता दिख रहा है, यहाँ पे सात बनता दिख रहा है।